में 16 अप्रैल को 72 कोरोना आशंकित लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनकी आज सुबह आई रिपोर्ट में 18 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें 6 बच्चे, 4 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। 53 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि एक सैंपल को दोबारा भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर मुरादाबाद में अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये सभी पहले से चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट एरिया के ही रहने वाले हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद इन सभी मरीजों के कांटेक्ट में आए लोगों और परिजनों के भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। फिलहाल मुरादाबाद में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हो जाने के बाद घर भेजा जा चुका है। 54 का इलाज चल रहा है। पॉजिटिव मिले हैं कोरोना के, कितने सैंपल गए थे? देखिए, 72 सैंपल गए थे, जिसमें 18 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 53 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और एक सैंपल का दोबारा सैंपल भेजने का आया है। अब तक लगभग कितने मामले हो गए हैं सर पूरे मुरादाबाद? 38 और 18, 56 मामले। ये जो रिपोर्ट आई सर, वो हॉटस्पॉट एरिया के लोगों की रिपोर्ट है क्या, अलग कोई अन्य क्षेत्र की है? सब हॉटस्पॉट, बरबलान, मुगलपुरा, तम्बाकू वालान और आज़ाद नगर। महिला बच्चे भी? हाँ सर, 6 बच्चे हैं, 4 लेडीज हैं। अब आगे क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, हॉटस्पॉट एरिया में ये केस आए हैं, तो अब इनके और घर के कॉन्टैक्ट जो अगर रह गए हैं तो उनके सैंपल लिए जाएंगे और इनके आसपास भी और केसों की तलाश की। सर, इसमें जो पेशेंट अब मिले हैं पॉजिटिव, उसमें इन्फेक्टेड पेशेंट्स के संपर्क में भी ये लोग आए थे, ऐसे कितने लोग हैं? सभी लोग इन्फेक्टेड पेशेंट के संपर्क में थे। कोई अपील करना चाहेंगे इस मौके पर सर जनमानस से? सोशल डिस्टेंसिंग और घर के अंदर रहना ही इस समस्या का समाधान है, एवं अन्य कोई समाधान नहीं है।